Good morning, dear students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLV Government College, Bhilwara. हम लोग periodic table और periodic properties के बारे में पढ़ रहे थे. And last chapter में हमने एक periodic property है, atomic size, उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था. और हमने देखा था कि कई तरह की radius होती है. Actual जो atomic radius है उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उसका मान बहुत कम है. परमाणु को आइसोलेट करना और उसकी रेडियस निकालना बहुत ही मुश्किल होता है. दूसरा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करता है, संभावना वाला. तो एक जो बिल्कुल वेल डिफाइंड बाउंड्री किसी भी परमाणु के लिए बनाना वो बहुत मुश्किल होता है. और रेडियस इज डेफिनेशन कि न्यूक्लियस से लेकर उसकी जो वेल डिफाइंड बाउंड्री है आउटर वाली तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस है, एटॉमिक रेडियस. तो जब बाउंड्री डिफाइन करना ही मुश्किल है तो इसको निकालना भी मुश्किल होता है. कई तरह की हमने रेडियस पढ़ी थी, कोवेलेंट रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस, इनके बारे में हमने पढ़ा था. इनके बीच में संबंध को जाना था. उसके बाद में पीरियोडिसिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने आवर्त में किस तरह से जो एटॉमिक साइज होता है वो पीरियोडिकली क्रमिक रूप से परिवर्तित होता है, उसको देखा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमेशा, तो क्योंकि नाभिकीय आवेश करके बढ़ता जाता है और जो शेल है वो कांस्टेंट रहता है. जो वो हमने कांस्टेंट कर दिया कि एक ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी आवर्त है वो सेम शेल होता है जिसमें वो जा रहे होते हैं. और प्रोटॉन क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो अल्टीमेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री हमने सीमित कर दी है, तो वो जो बढ़ाता है साइज उसको तो हमने फैक्टर को गवर्न कर लिया है. तो इसलिए क्या हो रहा है, फैक्टर जो कम साइज कर रहा है वो उसमें उसको कम किया जा रहा है. तो लेफ्ट टू राइट जाता है तो साइज कम होता जाता है. और परिवर्तन प्रभाव को हमने देखा था कि जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो साइज होता है वो कांस्टेंट हो जाता है. तो उसका कारण था उसमें एन माइनस वन जो डी इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, एन माइनस वन जो डी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वो क्या करता है, परिषित करता है उस आउटर मोस्ट न्यूक्लियस को, उस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, सॉरी उस न्यूक्लियस से. तो उस परिवर्तन के कारण उसका साइज लगभग कांस्टेंट हो जाता है. एक नया आने वाले जो प्रोटॉन है वो तो साइज कम करना चाहता है, एक नया आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो साइज बढ़ाना चाहता है. तो अल्टीमेटली साइज कहीं ना कहीं जाके बैलेंस हो जाता है और वे बराबर सा हो जाता है. तो उसको हम कहते हैं परिवर्तन प्रभाव. और एफ लॉग के केस में परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होता है तो हमें लैंथेनाइड संकुचन दिखाई देता है. यहां तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे. अब हम देखते हैं वर्ग में आवर्तता. वर्ग क्या होता है हम बात कर चुके हैं. वर्टिकल जो कॉलम है इनको ग्रुप या वर्ग कहते हैं, ग्रुप या वर्ग कहते हैं. सभी ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो समान होता है, बस जो नंबर ऑफ शेल है वो चेंज होता है. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी अगर बात करें हम, तो लिथियम के अंदर क्या है, तीन इलेक्ट्रॉन है, 1s2s1 होता है. तो इसमें n इक्वल टू 2 है, ये सेकंड आवर्त है. इसमें n इक्वल टू 3 है, इसमें n इक्वल टू 4 है, इसमें n इक्वल टू 5 है, एंड सो ऑन. तो सोडियम की अगर बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और क्या आया, 3s1, 11 total. तो 3s1 इन सब का कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, s1 है ना, ये s1 है, ये s1 है, ये s1 है, ये s1 है, ये s1 है. एक ग्रुप में सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है. चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इनका शेल, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये 6 है ना प्रिंसिपल क्वांटम, ये 2s1 है, ये 3s1 है, ये 4s1 है, ये 5s1 है, 6s1 है. ऐसा ही इस केस में होगा, है ना. ये सबका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, NS2NP5. जिस भी NS2NP5 होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हैलोजन कहलाते हैं. इसको हैलाइड फैमिली भी कहा जाता है ना. तो ये एक ग्रुप की खासियत है कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा. तो इस केस में हो क्या रहा है, देखिए जब लेफ्ट टू राइट हम बढ़ रहे थे एक करके प्रोटोन यहाँ बढ़ता जा रहा था, प्रोटोन प्लस होता जा रहा था. जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तब भी क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोटोन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और ये नेक्स्ट यहाँ से फिर आएगा, फिर यहाँ से आएगा, तो प्रोटोन तो बढ़ता जा रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटोन यहाँ भी बढ़ेंगे. पर साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी बढ़ जाते हैं, पहली चीज, ठीक है. तो वो इलेक्ट्रॉन इसको परिलक्षित करते हैं और प्रोटोन छूटा करेगा, इलेक्ट्रॉन परिलक्षित करेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए. दूसरी चीज, जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एन की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जा रही है.
और क्योंकि n की वैल्यू बढ़ती जाती है और हम ऊपर देख चुके थे r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है, तो ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, ठीक है, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना ही r ज्यादा होगा। तो समझ भी सकते हैं कि n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसका काम ही दो होते हैं, एक तो एनर्जी को डिफाइन करता है एनर्जी, और दूसरा वो डिपेंड करता है साइज को, तो साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, जितना ज्यादा एन उतना ही ज्यादा उसका साइज होगा। सेम ऐसे ही एनर्जी, जितना ज्यादा एन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस केस में देखिए होता क्या है, जो दिख रहा है हमें कि ये अगर पाइकोमीटर में रेडियस है तो 152, 186, 231, 244, 262, सीजियम को ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बड़ा होता है, जब ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो इसका साइज इंक्रीज करता जा रहा है ना, और सीजियम सबसे बड़ा माना जाता है, इसीलिए सीजियम काम आता है कहाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में भी काम आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड है, वो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अब एक वर्ग में क्योंकि जेड का मान इकाई से ज्यादा बढ़ जाता है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक एक प्रोटोन यहाँ प्लस होता जा रहा है, +1, +1, +1, हर एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसका परमाणु क्रमांक ही होता है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो हम ये एक आवर्त खत्म होगा, दूसरा जो आवर्त शुरू हुआ इसके बाद शुरू होगा, तो अगर इसके और इस वाले एलिमेंट के बीच की हम बात करें, इनके और इसके बीच की बात करें, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटोन काफी सारे बढ़ चुके हैं, तो वर्ग में जेड का मान तो बढ़ रहा है, जेड का मान तो इकाई से ज्यादा बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस साइज को, इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट का है सपोज, इसको अपनी ओर खींचेगा, जस्ट अ मिनट, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और अल्टीमेटली साइज को छोटा करना चाहेगा, पर साथ ही हो क्या रहा है, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, वो भी उतना ही बढ़ रहा है, इतना जेड बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है, वो क्या करेंगे, वो इसको परीक्षित करेंगे इस न्यूक्लियस से, तो वो साइज बढ़ाएंगे, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, ठीक है, साथ में एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जब भी आएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। ये एक कंपैरिजन है जो पहले अपन नीचे बढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। तो अतः ऊपरी दोनों प्रभाव तो एक दूसरे उदासीनों के जैसा मैंने बताया, पर क्योंकि ऊपर से नीचे तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का मान बढ़ता जाता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, इसलिए परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी, है ना, ये है। तो इसको हम डिस्कस करें, दोनों को कंपैरिजन करें, तो जो वेरिएशन इन पीरियड देखते हैं, पीरियड हम कहते हैं आवर्त को ग्रुप वर्ग में, ठीक है, तो ये देखते हैं लेफ्ट टू राइट और ये देखते हैं टॉप टू बॉटम। तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो जेड होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बट हर एलिमेंट में एक यूनिट जुड़ता जाता है, यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है पर वो हमेशा प्लस वन से काफी ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर यहाँ इंक्रीज हो रहा है, प्रभावी नाभिक आवेश इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर, बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर जेड बढ़ रहा है, साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव जो था वो जेड माइनस सिग्मा होता है ना, तो ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जाएगी तो जेड इफेक्टिव वैल्यू कम होती जाती है, तो प्रभावी नाभिक आवेश यहाँ पर लगभग कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जेड बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो इसमें से जो माइनस होगा वो लगभग कांस्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि एन सेम रहता है एक आवर्त में, यहाँ पर हर आवर्त में चेंज होता है तो ये बढ़ता जाता है ना, तो एन बढ़ा साइज बढ़ा, ये आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और यहाँ पर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये इधर साइज घटता है इधर साइज बढ़ता है, ये इनका कंपैरिजन है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इजी टू रिमेंबर है। नाउ इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है आयनिक त्रिज्या का। आयनिक त्रिज्या क्या है, किसी भी आयन में चाहे वो नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव आयन हो, उस आयन में उसके न्यूक्लियस से लेकर उसका जहां तक भी प्रभाव रहता है, ठीक है, उस नाभिक के केंद्र से लेकर वो इफेक्टिव डिस्टेंस जहां तक उस आयनिक बंध में इस पर्टिकुलर आयन का प्रभाव रहता है, इस आयन का प्रभाव रहता है वह कहलाता है आयनिक त्रिज्या। ठीक है, ये एक आयन है सपोज, ठीक है, इस से लेकर जहां तक इसका प्रभाव रहेगा है ना, वो आयनिक त्रिज्या कहलाएगी।
धनायन, अगर हम धनायन की बात करें तो धनायन के लिए हमेशा जो आकार होता है वो उसके उदासीन परमाणु से छोटा होता है। ये सवाल आता है कि धनायन हमेशा अपने उदासीन परमाणु से छोटा होता है, why? Positive ion is always smaller than its neutral atom, ठीक है? और ऐसा ही जो नेगेटिव आयन होता है वो हमेशा उसके न्यूट्रल एटम से बड़ा क्यों होता है। तो इसका रीजन हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि तत्वों के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो अगर सोडियम के बारे में हम देखें तो सोडियम 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ही लूजली बाउंड होता है, क्योंकि इसका अगर ये निकल जाए इसमें से तो क्या हो रहा है, एक पूरा शेल खत्म हो जाता है, n खत्म हो जाएगा ना, n इज इक्वल टू 3 खत्म हो जाएगा, n इज इक्वल टू पे आ जाएंगे, ये पीछे जो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगा वो ऑक्टेट है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, वो भी स्टेबिलिटी होती है। तो दोनों ही चीजें फेवर करती है कि s1 इजीली निकल जाए, तो क्योंकि एक पूरा शेल निकल जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं ना, नंबर प्रोटॉन सेम है, क्योंकि वो तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है तो वो है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो जो प्रोटॉन बचे जो थे उनका बचे हुए इलेक्ट्रॉन में प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, उसको अंदर की तरफ खींचेंगे, अल्टीमेटली जो धनायन होता है वो इसके उदासीन परमाणु से छोटा हो जाता है। दूसरे केस में अगर हम ऋणायन की बात करें तो क्लोरीन परमाणु जो होता है उसमें कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, NH2NP5 जो कि जितने भी हैलोजन होता है उनका होता है ना, तो यहाँ पर 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो लास्ट जो ये इलेक्ट्रॉन है NH2NP5 में, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाए प्लस वन हो जाए तो ये क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे एक ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन साथ ही क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो रिमेन सेम, जितने थे उतने ही, क्योंकि क्लोरीन ही है एटम तो, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज करते हैं, तो हमेशा ऋणायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। नाउ साइज ऑफ आयंस अगर हम देखें तो किस तरह वेरी कर रहे हैं, ये लिथियम बेरिलियम बोरोन यहाँ साइज इधर कम होते जाते हैं, ऊपर से नीचे साइज बढ़ते जाते हैं, जैसा कि पहले केस में था। तो हम देखें तो लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस 2 बोरोन प्लस 3 साइज क्या हो रहा है, 0.68, देन 0.31 कम हो गया, देन 0.23 और कम हो गया, यहां हम देखें 1.40 ये इससे बड़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, धनायन की, यहाँ बात कर रहे हैं हम ऋणायन की, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है, ये इधर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हैलाइड्स है, ऑक्सीजन है, इनका बेसिक नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, क्योंकि उनका बेसिक नेचर है वो नेगेटिव आयन बनाना है, तो यहाँ हमने नेगेटिव आयन ही सपोज किया है, तो ये साइज में इसलिए बड़ा है, तो यहाँ कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम अगर साइज ऑफ आयंस देखें, आयन साइज इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम ग्रुप में बढ़ रहे हैं, जैसे हमने ऊपर पीरियड में देखा आयन साइज यहाँ कम होता जाता है, ग्रुप में हम देखेंगे तो आयन साइज बढ़ता जाता है, जैसा कि न्यूट्रल एटम के केस में होता है, तो बोरोन प्लस 3 0.23 है, ये 0.51 है, 0.62 है, देन 0.81 है, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे साइज बढ़ता जाएगा, चाहे वो नेगेटिव आयन की बात करें चाहे पॉजिटिव आयन की बात करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल होता है और ये क्वेश्चन आता है, जैसे आपको एग्जांपल लिथियम प्लस बोरोन प्लस 3 ना, ऑक्सीजन माइनस 2 ओके, बेरिलियम प्लस 2, ये सब दे दिया और ये बोला आपको कि इनको अरेंज कीजिए इनके साइज के अकॉर्डिंग, तो हमें सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना चाहिए, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें क्या होगा, ऐसे केस पे जो का आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, जैसे बेरियम प्लस 2 लिथियम प्लस बोरोन प्लस 3, अगर इन सब की हम बात करें तो लिथियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है होता है 1s2 2s1 ओके, तो अगर लिथियम प्लस की हम बात करें तो वो रह जाएगा 1s2, ऐसे ही बोरोन प्लस 3 की अगर बोरोन की बात करें, बोरोन की तो ये होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, 5 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ये होता है 1s2 2p1, तो अगर बोरोन प्लस 3 की बात करें तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2
क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से। ऐसे ही बेरिलियम प्लस टू की अगर बात करें, बेरिलियम होता है 1s2 2s2, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये रह जाएगा 1s2। तीनों के ही देखे तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। ऐसी केस में जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है उसमें जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटोन होंगे वो उतना ही ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा नाभिक आवेश न्यूक्लियर चार्ज उतना ही साइज छोटा। देखें लिथियम प्लस, बेरियम प्लस टू, देन बोरोन प्लस थ्री, तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन ये 0.68, देन 0.31, देन 0.23, तो साइज इधर डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटोन यहाँ इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर अंडा काम करता है। आयनिक त्रिज्या को ज्ञात करने के तरीके, आयनिक त्रिज्या है क्या, ये मैंने बता दिया था आपको कि जहां तक इसका प्रभाव रहे, इस न्यूक्लियस का ये प्रभाव जहां तक रहे, ये इस आयन की त्रिज्या है, ये इस आयन की त्रिज्या है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव का धनायन की ऋण आयन की त्रिज्या हो गई। इसको कैसे ज्ञात करें हम, क्योंकि ये वो तरीका तो ये काम में ले नहीं सकते कि इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस हमने निकाली उसका आधा कर दिया, क्योंकि वो तो हम काम लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, इसमें तो काम में ले नहीं सकते क्योंकि धनायन छोटे होते हैं ऋणायन बड़े होते हैं, इस केस में तो दोनों चीजें सेम आएंगी। तो अगर अंतर आयनिक क्लोरीन की डी है वो हम ज्ञात कर सकते हैं एक्सक्रीन से, तो उसके निकालने के दूसरे तरीके हैं। पहला तरीका जो बहुत सिंपल है उसमें क्या है कि एक छोटा धनायन लेते हैं, बहुत छोटा, तो जैसे लिथियम आयोडाइड हम लेते हैं, सपोज लिथियम आयोडाइड हमने लिया, इसमें कि लिथियम का आकार बहुत ही छोटा होता है, आयोडीन का आकार बहुत ही बड़ा होता है। ये इसका एग्जांपल अगर देखें तो ये लिथियम है सपोज छोटा सा हमारा बीच में और ये आयोडीन है, तो अगर इसकी हम इसका आकार इतना छोटा है कि ये जो इसका वाइड है इसके बीच में ये यहाँ घुस जाता है, और अगर इसकी हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालें, यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें चाहे यहाँ से निकालें, तो उसमें कहीं भी बीच में लिथियम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है, तो इसकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आएगी बेसिकली उसका आधा अगर निकालेंगे तो वो हमें आयोडीन की इंटर जो त्रिज्या है वो प्राप्त हो जाएगी ना, आयोडीन की त्रिज्या में प्राप्त हो जाएगी। आयोडीन की त्रिज्या एक बार निकाल लिया, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, छोटे धनायन द्वारा, स्मॉल कैटायन द्वारा, इतना स्मॉल कैटायन है कि इन इन जो नेगेटिव आयन है उनकी सरफेस आपस में मिल रही है, उनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हमने निकाल ली, उसको आधा कर दिया, उसको आधा करने पे हमारे पास आ गया आयोडीन की त्रिज्या। अब हम कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, दो दूसरा कोई आयनिक कंपाउंड लेंगे जैसे, ठीक है, या फिर जैसे हमने लिया है KI, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम इतना छोटा नहीं, पोटेशियम इतना छोटा नहीं है कि उसके और उसकी जो उस वॉइड में पूरी तरह आ जाए आयोडीन के बीच में, और जैसा कि लिथियम के केस में हो रहा था कि वो इंटरफेयर नहीं कर रहा था, यहां पर वो करता है। इस केस में क्या करते हैं, हम ये वाले डिस्टेंस पूरी निकाल लेते हैं आयोडीन आयोडीन के बीच की, और इस डिस्टेंस में थे हम, हमें आयोडीन की बीच रेडियस पहले ही पता है, उसकी रेडियस को हम घटा देते हैं। तो अगर हम आयोडीन की रेडियस इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास पोटेशियम की आयनिक त्रिज्या आ जाएगी। तो इस तरह रेफरेंस लेके काम करते हैं, छोटे धनायन के द्वारा इसकी निकालते हैं, इसके रेफरेंस में दूसरी निकालते हैं, दूसरे में तीसरी निकालते हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है आयन की त्रिज्या निकालने का। दूसरा मेथड है वो होता है पॉलिंग का मेथड। पॉलिंग का मेथड एक सिद्धांत पे आधारित है, यह एक प्रैक्टिकल जो हम जानते हैं प्रैक्टिकली फिनोमेना है कि जो एक संयोज्य आयन है या मोनोवेलेंट आयन है उनके लिए जो रेडियस होती है आर प्लस और आर माइनस, ठीक है, मोनोवेलेंट मतलब उससे एक आयन और दूसरा होता है NaCl जैसे, है ना, इस तरह के आयन, तो उनके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा उतना ही छोटा वो धनायन होगा, ठीक है, जितना छोटा धनायन या ऋणायन होगा, जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश उतना ही छोटा या धनायन और ऋणायन होगा, ये एक सिंपल फिनोमिना है। तो यहाँ पर इनवर्सली 1/Z इफेक्टिव है, इसको अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह लें, या एक कांस्टेंट यहाँ लगा देते हैं जिसे हम कहते हैं सी। सी एक कांस्टेंट होता है जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम दो आयनों को कंपेयर करेंगे, अब जैसे सोडियम फ्लोराइड की बात करें तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्लोरीन के पास भी सॉरी जस्ट ए मिनट फ्लोरीन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, जस्ट ए मिनट Cl को यहाँ हटा देते हैं, जस्ट ए मिनट,
सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पर इसके बाद भी दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे KCl में दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो क्योंकि ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक है नेचर में, और जो सी की जो सी का मान है स्थिरांक का, वो इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी दोनों के लिए सेम होगा और सी का मान भी सेम होगा। तो इन दोनों के लिए अगर हम लिखें तो आर प्लस और आर माइनस का रेशियो है इस तरह से, जेड इफेक्टिव माइनस अपॉन जेड इफेक्टिव प्लस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये नीचे आ गया ये इसके ऊपर आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए। और जेड इफेक्टिव हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, अपने पहले चैप्टर में सॉरी, जेड इफेक्टिव जो वो इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा के, यहाँ पर सिग्मा होता है वो परिरक्षण स्थिरांक है, ठीक है, स्लैटर कांस्टेंट कहलाता है, परिरक्षण स्थिरांक कहलाता है, जिसको निकालना हम सीख चुके हैं। तो ये जेड माइनस माइनस सिग्मा और जेड प्लस माइनस सिग्मा, ये इस तरह आ जाता है। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होकर आ गया। अब एक सवाल आता है, सवाल है कि पॉलिंग विधि से KCl में पोटेशियम एवं क्लोरीन की आयनिक त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें हमें यह दिया गया है कि ऑर्गन के लिए सिग्मा या परीक्षण स्थिरांक की वैल्यू 11.6 है। ऑर्गन का इसलिए, क्योंकि पोटेशियम प्लस और सीएल माइनस दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनके लिए भी सेम मान होगा, ठीक है। तो और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी हमें दी गई है कि के प्लस और सीएल माइनस की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो 3.1 एंगस्ट्रॉम तरणाभी की दूरी हो गया है। अब हमें निकालना है, हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है, आर के प्लस और आर सी एल माइनस यहाँ से ले लिया हमने, जेड 17, ओके, ये माइनस क्लोरीन का आ गया है, इसमें से माइनस कर दिया सिग्मा, नीचे 19, इसमें से माइनस कर दिया 11.6 अगेन, ये हमारे पास अगेन का रेशियो, तो आर के प्लस अपन आर सी एल माइनस ये 0.73 दोनों का रेशियो आ जाएगा, या पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू आर सी एल माइनस 0.73, इसको हम इधर लिया है, ये लिख सकते हैं, इजीली समझ में आ गया होगा आपके। हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बताया हुआ है, तो आर प्लस प्लस आर माइनस वो है 3.14, तो इस आर जो प्लस है इसका वैल्यू हमने यहाँ निकाला हुआ है, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो आर सी एल माइनस 0.73 प्लस आर सी एल माइनस इक्वल टू 3.14, और इस तरह लिख सकते हैं कि दोनों को ऐड कर दिया तो 1.73 हो गया, ये 3.14 है, देन RCl की वैल्यू निकाल सकते हैं 3.14 को 1.7 से 74 से डिवाइड करा के, दिस इज 1.82 एंगस्ट्रॉम, और क्योंकि हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अवेलेबल है तो उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में से हम इस डिस्टेंस को अगर हटा देंगे तो हमारे पास जो धनायन है उसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो ये पॉलिंग का मेथड है, दो मेथड हो गए, एक तो छोटा धनायन लेके निकालते हैं और दूसरा पॉलिंग के मेथड से निकालते हैं। एक सवाल है, निम्नलिखित स्पीशीज में से किसकी त्रिज्या अधिकतम तथा किसकी त्रिज्या न्यूनतम होगी, ठीक है। तो ऐसे सवालों को देख के सीधा सा लग देख लीजिए कि सबसे पहले तो यह नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम इधर होता है, एल्यूमिनियम इधर होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम लेफ्ट में है, उसका नंबर ऑफ प्रोटोन कम है, ठीक है, इसीलिए मैग्नीशियम इसमें सबसे बड़ा है, और सबसे ज्यादा जो धनायन जिसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो सबसे छोटा होगा हमेशा। अगर यहाँ कोई भी ऋणायन आ जाए, Cl- आ जाए, तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ओके, ऋणायन सबसे बड़ा होगा हमेशा, धनायन सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एल्यूमिनियम प्लस 3 के पास है, सबसे कम प्रोटोन या पॉजिटिव आयन इसके पास है, तो ये तो सबसे बड़ा हो गया और एल्यूमिनियम प्लस 3 सबसे छोटा हो गया। तो इस बार हमने इस क्लास में हमने वर्क में कैसे बिहेव करता है उसके बारे में पढ़ा, परमाणुओं के आकार में क्या वर्चिता होती है, साथ ही हमने आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ा कि उसको कैसे निकाला जाता है, त्रिज्या होती क्या है ना। तो ये पीरियोडिसिटी का जो पहला आपका पार्ट था एटॉमिक साइज का, वो आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम आयनेशन पोटेंशियल पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।